हाँ मैं जो है वो स्टार्ट की हुई है एग्जांपल्स इसकी लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो कल स्फेरिकल पेंडुलम वाली एग्जांपल की थी, उसके बाद प्रोजेक्टाइल वाली भी आपको कहा था कि हो गई थी वो, ठीक है, उसका भी आधा पार्ट करवा दिया था। आज हमने जो है वो एग्जांपल नंबर 8 देखती हैं। एग्जांपल नंबर 8 क्या है कि एक पार्टिकल है मास m का, इज कंस्ट्रेंड टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मूथ कोन ऑफ हाफ एंगल अल्फा। एक स्मूथ कोन है, ठीक है, और कोन का जो हाफ एंगल है क्या हमारे पास, हमने फाइंड, एक्चुअली ये क्या करना है, हमने लग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फाइंड करनी है फॉर ए पार्टिकल एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और ये पार्टिकल जिसका मास m है ये कंस्ट्रेंड है टू मूव ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ ए स्मूथ कोन ऑफ हाफ एंगल अल्फा, ठीक है, जिसका कि हाफ एंगल जो है वो अल्फा के बराबर है। तो आपने अब ये जो पार्टिकल है ये सब्जेक्टेड है टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। इस पार्टिकल के ऊपर जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रही है। इसके लिए एक तो हमने फाइंड करने हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, फिर उसके बाद हमने डिटरमिन करने हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, और देन फिर हमने फाइंड करनी है लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो पहले नंबर पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, दूसरे नंबर पे कॉन्स्ट्रेंट्स, और तीसरे नंबर पे लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये चीजें जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है इस एग्जांपल के अंदर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन फिर।
तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर जो है वो एक कोण ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखें आपके पास एक्सेस है, इसको आप कह लेंगे वाई एक्सेस है, इसको आप कह लेंगे जेड एक्सेस है, और इसको कह लेंगे ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेस है। नाउ वी विल ड्रा ए कोन ऑन इट। तो ये कोन हम इसके ऊपर ड्रा करते हैं, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ जो है वो मिला दें। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर एक सेक्शन लें, ये इसको इसके साथ मिला दें, तो यहाँ से ये कोई एंगल अल्फा जो है वो बन रहा है। ठीक है, इधर से इस पॉइंट को इसके साथ मिला दें, तो ये कोई रो हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है यहां पर इसको भी आप रो का नाम दें। उसके बाद यहां से इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहां पर एक वेक्टर निकालें इधर, और इस जगह से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर यहां पर ये ड्रा करें। ठीक है, इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर दें। ये इसका ओरिजिन है, तो इसका मतलब है कि यहां से जो एंगल बनेगा इधर तक, ये एंगल बनेगा फाई, ये फाई एंगल बनेगा, और ये वाला जो डिस्टेंस हमने यहां तक इसको खींचा है, इसको हम कह देते हैं पॉइंट एम कोई। ये जो ओरिजिन से लेकर एम तक का डिस्टेंस है, ये भी रो के बराबर है। ठीक है जी, क्या ये एक कोण है जिसका हाफ एंगल अल्फा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स वाई और जेड, इसकी सरफेस के ऊपर एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, और पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो सब्जेक्टेड है टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके ऊपर कंस्ट्रेंट भी जो है वो अप्लाई हुआ हुआ है। तो हेयर अल्फा, ये जो अल्फा एंगल ले रही है यहां पर अल्फा, ये कंस्ट्रेंट है। तो ये कंस्ट्रेंट वैल्यू है अल्फा की जो है। तो कंसीडर करें एक पार्टिकल, consider a particle of mass m is at point p, जो कि किसी point p के ऊपर है। on the inside surface ऑफ कोन, जो इन साइड सर्फेस है कोन की, उसके अंदर एक पार्टिकल है जिसका मास एम है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, सॉरी, इसको रो की बजाय इसको पी कर लें। ठीक है, ये पॉइंट पी जो है ये आपने लिया हुआ है। तो अब यहां से हमने एक प्रोजेक्शन एम, यानी कि एम पी प्रोजेक्शन, इसके ऊपर क्या किया है, ड्रा किया है, यानी कि एक परपेंडिकुलर जो है उसको ड्रा किया है। तो एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी, तो एम जो है वो क्या है, वो प्रोजेक्शन है पी की ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर।
अब ये कौन सी प्लेन बन रही है, एक्स और वाई, ये पी की इसके ऊपर प्रोजेक्शन है, यानी कि ये पी एम आपने इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो है उसको ड्रा किया है, ये उसकी प्रोजेक्शन आपने ड्रा कर दिया है, और ये किसी भी टाइम टी के ऊपर है, एट एनी टाइम टी। अब जो डिस्टेंस है इसका ओरिजिन से, ठीक है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से जो है आप कह लें कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से ये रो के बराबर है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन आपने ड्रा की है, ये पी क्या ही पॉइंट है जो इधर एम आपने लिया, और इसकी ओरिजिन से, इसका ओ ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, रो। Its distance from origin O is rho. OM, OM क्या कर रहा है, एंगल फाई बना रहा है इसके साथ, जो बना रहा है ना यहां से फाई, ठीक है। OM जो है वो एंगल फाइव बना रहा है विद एक्स एक्सिस, ओ एम इज मेकिंग एन एंगल फाइव विद एक्स एक्सिस। तो अब अगर हम यहां पर, चूंकि ये कोण है, तो वी विल यूज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इधर अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है उनको यूज करें, तो बाय द रिलेशन ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के रिलेशन जो है उनको यूज करें, तो एक्स इज इक्वल टू रो कॉस ऑफ फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई, और जेड इज इक्वल टू जेड। दीज आर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, वो आ गए। अब आप देखें कि मैं अगर, क्योंकि ये एक ओ प्राइम है पॉइंट और एक ये ओ पॉइंट है, ऐसे कह चुके इसको, क्योंकि ये ओ प्राइम है और ये ओ है, यहां से ये कोई पॉइंट पी है और इसको इसके साथ मिला दूं, और ये कोई एंगल अल्फा है, ठीक है, ये ओ प्राइम से पी तक कोई डिस्टेंस रो है। तो अब इसके जो आपके पास कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है, रो ओवर साइन ऑफ अल्फा और रो कॉट ऑफ अल्फा, अब ये जो आपका कोऑर्डिनेट है ये वाला, ठीक है, ये जेड कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से, तो ये जेड किसके बराबर आ रहा है, रो कॉट ऑफ अल्फा के बराबर आ रहा है, जेड इज इक्वल टू रो कॉट ऑफ अल्फा। तो ये जो जेड रो कॉट ऑफ अल्फा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, ये आपके पास कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है, this is the equation of
कॉन्स्टेंट। तो लिहाजा अब आपके पास जो z वाला था, ये वाला कम, ये जो z है, ये पहले तो आपने देखा x रो cos ऑफ फाई, y रो साइन ऑफ फाई, तो z z रो cot ऑफ अल्फा, इसकी जगह ये आ जाएगा z रो cot ऑफ अल्फा। अब जो कि z जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, थीटा और फाई, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, दो, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n इज इक्वल टू टू, यानी कि दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हैं उनके लिए हमने इसको सॉल्व करना है। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके पास q1 और q2 वो आ जाएंगे, सॉरी ये रो होगा, थीटा तो है ही नहीं है ना, रो और फाई। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स q1 q2 ये किसके बराबर आ जाएंगे, रो और नाउ। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है कि फार्मूला होता है हमारे पास T इज इक्वल टू वन ओवर टू एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। वन ओवर टू एम एक्स डॉट स्केयर जेड डॉट स्केयर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो यहां पर एक्स डॉट इज इक्वल टू रो डॉट कॉस ऑफ फाई माइनस रो साइन ऑफ फाई फाई डॉट, और वाई डॉट इज इक्वल टू रो डॉट साइन ऑफ फाई प्लस रो कॉस ऑफ फाई फाई डॉट, ठीक है, और जेड डॉट रो डॉट कॉस ऑफ अल्फा। अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये वाली वैल्यूज जो है इनको सब्सिट्यूट करें तो टी इज इक्वल टू वन ओवर टू एम इन टू रो डॉट कॉस ऑफ फाई माइनस रो साइन ऑफ फाई फाई डॉट का स्क्वायर प्लस रो डॉट साइन ऑफ फाई प्लस रो कॉस ऑफ फाई फाई डॉट का स्क्वायर प्लस रो डॉट कॉट स्क्वायर अल्फा और ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने x डॉट y डॉट और z डॉट इनकी वैल्यूज जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर जो है उसको ओपन करेंगे, ठीक है। स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर से जो टर्म्स आएंगी जो आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही होंगी टू के साथ,
स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो टू के साथ आएंगी टर्म्स, वो टर्म्स यहाँ पर एक माइनस के साथ आएगी और यहाँ पर प्लस के साथ आएगी, वो टर्म्स जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो टर्म है उनमें कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की फॉर्म में टर्म्स आ जाएंगी, वो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की फॉर्म में जो टर्म्स आएंगी वो वन के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे, t इज इक्वल टू वन ओवर टू एम इन टू रो डॉट स्क्वेयर प्लस रो स्क्वेयर फाइव डॉट स्क्वेयर प्लस रो डॉट स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर अल्फा, ये मेरे पास बच जाएगा। तो ये मेरे पास क्या निकल आई है, काइनेटिक एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी भी हमें चाहिए था, एक बार लग्रैनियन लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है V वो एम जी जेड के बराबर होगी, तो V इज इक्वल टू एम जी रो कॉट ऑफ अल्फा। Now we are in the position to write down the Lagrangian, ठीक है। अब आप जो है यहां पर इसका Lagrangian जो है उसको write down कर सकते हैं। तो Lagrangian किसके बराबर होगा, L इज इक्वल टू टी माइनस वी, ये आपके पास Lagrangian है तो ये आ जाएगा वन ओवर टू एम रो डॉट का स्क्वेयर प्लस रो स्क्वेयर फाइव डॉट स्क्वेयर प्लस रो डॉट स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर अल्फा और माइनस एम जी रो कॉट ऑफ अल्फा, दिस इज द Lagrangian। अब इसके अंदर जो रो डॉट स्क्वेयर प्लस रो डॉट स्क्वेयर कॉट ऑफ अल्फा वाली टर्म है, इसके अंदर से अगर मैं रो डॉट स्क्वेयर को कॉमन निकाल लूं तो ये वन प्लस कॉट स्क्वेयर अल्फा आ जाएगा, और वो वन प्लस कॉट स्क्वेयर अल्फा कोसेकेंट स्क्वेयर अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि मैं इस इक्वेशन को राइट डाउन कर सकता हूँ कि एल इज इक्वल टू वन ओवर टू एम रो डॉट स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा प्लस रो स्क्वेयर फाइव डॉट स्क्वेयर माइनस एम जीरो कॉट ऑफ अल्फा। अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रो और फाई हैं, तो उन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रो और फाई के लिए दो Lagrange ऑफ इक्वेशंस बनेगी, एक रो के लिए बनेगी और एक फाई के लिए जो है वो बनेगी। तो d ओवर डी टी करली l ओवर करली रो डॉट माइनस करली l ओवर करली रो इज इक्वल टू जीरो, और इसी तरह d ओवर डी टी करली l ओवर करली फाई डॉट माइनस करली l ओवर करली फाई इज इक्वल टू जीरो। तो पहले फाई के लिए जो है इसको सॉल्व करें, तो पहले रो के लिए सॉल्व कर लें, तो करली एल ओवर करली रो ये जो इक्वेशन है इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू रो डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास एम रो फाई डॉट माइनस एम जी कॉट ऑफ अल्फा।
ठीक है जी, ये करली एल ओवर करली रो के बराबर आएगा, तो करली एल ओवर करली रो डॉट दैट इज इक्वल टू एम रो डॉट कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये कर लिया एल ओवर कर ली रो डॉट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरे के लिए सॉल्व करें, कर ली एल ओवर कर ली फाई, करली एल ओवर करली फाई दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो क्योंकि वो फाई डॉट के अंदर टर्म्स है, फाई के अंदर तो आई कोई नहीं है टर्म। ठीक है, तो करली एल ओवर करली फाई डॉट दैट इज इक्वल टू एम रो स्क्वायर फाई डॉट। तो यहां से डी ओवर डी टी करली एल ओवर करली फाई डॉट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी एम रो स्क्वायर फाई डॉट। और इसी तरह आपके पास जो दूसरी टर्म थी डी ओवर डी टी करली एल ओवर करली रो डॉट दैट इज इक्वल टू एम रो डबल डॉट कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई। अब आप इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं उनको राइट डाउन करें। तो पहले देखते हैं रो के लिए, रो इक्वेशन। तो रो के लिए जो इक्वेशन है एम रो डबल डॉट कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस एम रो फाई डॉट स्क्वायर प्लस एम जी कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगी। और जो फाई की इक्वेशन है, फाई इक्वेशन, फाई की ये डी ओवर डी टी एम रो स्क्वायर फाई डबल डॉट फाई डॉट, तो ये आ जाएगा आपके पास डी ओवर डी टी एम रो स्क्वायर फाई डॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसमें फाई वाली तो टर्म ही कोई नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कौन के लिए निकल आएंगे। अच्छा, अब मैंने ये फिगर अभी तक नहीं मिटाई, आपको समझ आई है कि ये क्या है? पूरा सवाल कर लिया क्यों जी? व्हाट इज दैट? जो मुझे समझ आती है, अगर मैं इस अल्फा के कंपोनेंट्स बनाऊं तो यहां पर मुझे रो साइन ऑफ अल्फा मिलता है और इसके साथ मुझे रो कॉज ऑफ अल्फा मिलता है, तो फिर मैंने इसको कॉट ऑफ अल्फा कैसे लिखा? क्या वो भाई खुल के बताया ना, डर डर के टैन को नहीं। मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मुझे है, एक ले मैन, मैं एक ले मैन हूँ, मुझे फिजिक्स नहीं आती है, मुझे थोड़ा सा मैथ आता है। उस मैथ के मुताबिक मुझे ये पता है कि जब ये अल्फा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो इसके सामने वाला कंपोनेंट
रो साइन ऑफ अल्फा है, यही है ना, और इसकी बेस के साथ जो है वो रो कॉस ऑफ अल्फा है। तो मैंने यहां पर रो कॉट ऑफ अल्फा क्यों लिखा? दिस इज माय क्वेश्चन। आपने पूरी लग्रांजियन कोण की निकाल ली किसी की बेस के ऊपर, क्यों जी? किसी को कुछ समझ आ रही? हाँ भाई जुनेद, व्हाट हैज डन देयर? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुझे ये पता है कि कंपोनेंट्स ये बनते हैं, लेकिन मैंने रो को काट, अच्छा काट ऑफ अल्फा बेसिकली होता क्या है? टैन है ना, टैन ऑफ अल्फा, टैन ऑफ अल्फा का उल्ट है काट ऑफ अल्फा। तो ये ले जा रहे हैं आप, कौन ले रहे हैं आप, ठीक है? तो कौन ले रहे हैं, तो कौन के अंदर आप उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसको देख रहे हैं, ठीक है? ये उस तरह रो काट ऑफ अल्फा नहीं लिखा, ठीक है? ये आप देखें, मैं इस अगर इसको उल्टा दूं, इसको फिगर को मैं यूं कर दूं कि मैं क्योंकि ऐसे मैं ऐसे बना देता हूं और कहता हूं ये एंगल अल्फा है, ठीक है? ये एंगल अल्फा है, ठीक है? और ये क्योंकि ये डिस्टेंस रो है, ठीक है? तो अब इसका जो यहां पर एंगल आएगा, यहां पर रो कॉस ऑफ अल्फा, यहां पर रो साइन ऑफ अल्फा, ठीक है? मैंने अब इस कोन के अंदर देखना है कि ये जेड डिस्टेंस जो है एक्चुअली ये कितने, ठीक है? ये तो बन रही है ना ट्राइंगल, उसके अंदर ये जेड मैंने डिस्टेंस देखना है। तो ये जेड डिस्टेंस जो है ये एक्चुअली यहां से क्या बनेगा? एंगल टैन ऑफ अल्फा, ठीक है? और टैन ऑफ अल्फा क्या होगा? रो साइन ऑफ अल्फा ओवर रो कॉस ऑफ अल्फा, ये कट गया रो रो के साथ, ठीक है? तो टैन ऑफ अल्फा आपके पास पीछे कितना बन गया? टैन साइन ऑफ अल्फा ओवर कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है? अब ये इस तरह अगर आपका है तो ये इस तरफ नीचे की तरफ कौन जो है वो आ रही है, ठीक है? तो ये डिस्टेंस जो है, क्योंकि ये उल्टी ट्राइंगल बन रही है इसके लिए अंदर, ठीक है? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको उल्टाना पड़ेगा। तो ये वन ओवर टेन ऑफ अल्फा जो है ये कॉस ऑफ अल्फा ओवर साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा, ठीक है? तो ये कॉट ऑफ अल्फा के बराबर आ जाएगा, ठीक है? तो वो हमने अब यहां से ये डिस्टेंस जो है उसको क्या कह के वो रो काट ऑफ अल्फा के बराबर है। ये ट्राइंगल जो है ये इसके अंदर, ये उल्टी ट्राइंगल इस कोण के अंदर जो है वो बन रही है, ठीक है? यहां पर आप देखें ना, मैंने लिखा रो ओवर साइन ऑफ अल्फा, ठीक है? इसको लिखा ये वाली जो साइड यहां से यहां तक जा रही है, इसको क्या लिखा है? रो ओवर साइन ऑफ अल्फा, यानी कि रो इज डिवाइडिंग बाई साइन ऑफ अल्फा, ठीक है? तो इसलिए ये जो है हमारे पास रो काट ऑफ अल्फा है, ये वो वाला कंपोनेंट नहीं है उसका जिसको आप ये कहें कि ये रो काज ऑफ अल्फा है, ठीक है? ये रो काट ऑफ अल्फा, ये इसके अंदर से ये उल्टी ट्राई एंगल के अंदर से हमने इसको कैलकुलेट किया, समझ आई है कुछ बात के, ठीक है? ये उस तरह नहीं बन रहे ये कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? पार्टिकल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर विद पोटेंशियल वी आर थीटा फाई, तो इसका लग्रांजियन फाइंड करें। ये मेरा हर कल मैंने आपको शायद इसकी पिक्स भेज दी थी, ये मैंने कर दिया। उसके बाद स्प्रिंग पेंडुलम था, इसकी भी मैंने पिक्स शायद भेजी थी, फिर पेंडुलम विद ए फ्री स्पोर्ट ये भी भेज दिया था आपको, फिर हॉरिजेंटल के साथ पेंडुलम, ये आपने खुद ही कर लेनी है। एग्जांपल 13, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास स्लाइडिंग इनसाइड द स्मॉल ट्यूब ऑफ सर्कल रेडियस आर, अच्छा ये एग्जांपल 13 जो है ये भी नहीं मैं कर रहा,
मैं आगे जा रहा हूँ एग्जांपल नंबर 14 के ऊपर, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि एग्जांपल नंबर 13 मैंने आपको भेज दी हुई है उसकी पिक के नहीं भेजी है, ठीक है। एग्जाम्पल 14 मैं इस पे जा रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये क्या है कि कंसिडर करें एक पार्टिकल ऑफ मास एम स्लाइडिंग इन साइड ए स्मॉल ट्यूब विच इज बेंट टू ए फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, ठीक है, यानी कि एक ट्यूब है, उस ट्यूब को आपने बेंट किया हुआ है किसमें, सर्कल की फॉर्म में, और उस ट्यूब के अंदर एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, और वो जो जिस फॉर्म में आपने उसको बेंट किया हुआ है उसका रेडियस आर है उस सर्कल का। द ट्यूब रोटेट्स अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब वो ट्यूब जो है वो अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, यानी कि अगर उसके ये एक्सिस है वर्टिकल तो उनके अबाउट वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पार्टिकल की वो कैलकुलेट करनी है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये मोशन ऑफ ए पार्टिकल है इनसाइड द सर्कुलर ट्यूब, ठीक है। ये क्या है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इनसाइड द सर्कुलर ट्यूब। ठीक है, तो इसका आपने लग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको निकालना है। तो सबसे पहले देखें कि सॉल्यूशन इसका, हम देखते हैं कि सपोज द ट्यूब इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, कि ट्यूब जो है वो रोटेट कर रही है जेड एक्सिस के अबाउट। अब जो सेंटर है सर्कुलर ट्यूब का उसको हम ओरिजिन ले लेंगे, द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्यूब इज टेकन एज ओरिजिन, उसको जो है वो आप ओरिजिन ले लें, ओरिजिन ओ। तो पहले मुझे इसकी फिगर जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखें कि ये आपके जेड एक्सिस हैं, ठीक है जी, और ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब यहां पर एक सर्कुलर ट्यूब है, ये एक सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है। इस सर्कुलर ट्यूब में इस जगह पर हमने कोई पॉइंट पी लिया हुआ है जिसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स, ये इसका ओरिजिन है, इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है जी। अब रोटेशन इस तरफ है अबाउट जेड, ये डिस्टेंस आर है, यहां से कोई एंगल थीटा बन रहा है, इधर से कोई एंगल जो बनेगा इसको इस तरफ ले जाएं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें और इस परपेंडिकुलर को इससे मिला दें, तो इधर से जो एंगल बनेगा वो फाई होगा। ठीक
ठीक है, ये हमारे पास ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब। अब जो ये सिस्टम है आपका, इसकी स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है। दिस सिस्टम हैज स्फेरिकल सिमेट्री। ये जो सिस्टम है इसकी स्फेरिकल सिमेट्री है, तो फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई आर साइन थीटा साइन फाई, जेड आर कॉस थीटा। ठीक है, ये अब मैं इसको फिर, अब टाइम ओवर होगा इसको, मैं कल सॉल्व करूँगा इसे, ठीक है। ये इस फिगर को आप बना लें, इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट जो है मैं आगे इसको शुरू करूँगा।